नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं मकान। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं मकान। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 पर चली गई थी। हालांकि उपचुनाव होने वाले हैं, 2 सीटों पर नीतीश कुमार को फिर से जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन विडंबना यह है कि दोनों सीटें ही नीतीश कुमार की ही थी। यानी 3 नंबर से नीतीश कुमार के फिर 3 नंबर पर पहुंचने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन अगर ये दोनों सीटें हार जाएं तो जो साख है वो भी दांव पर है। अब तेजस्वी यादव ने तो बिगुल फूंक दिया है, चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं ताल ठोक दिया है, और पप्पू यादव भी मजा लेने के लिए दोनों कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, इसके अलावा कांग्रेस भी एक सीट पर नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतार रही है। चारों तरफ से नीतीश कुमार ही फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जाहिर किया है एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कि कैसे नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए। यानी पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की इतनी बड़ी हार हुई तो हुई कैसे, आखिर कैसे नीतीश कुमार को सत्ता के शीर्ष से भाजपा के पायदान तक पहुंचना पड़ा और आज भाजपा के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये सारा कुछ बताने से पहले आप ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, ये जानने की कोशिश कीजिए। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं मकान। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं मकान। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं मकान। चलिए, मैं समझ सकता हूं कि आपको नीतीश कुमार ने क्या कहा जवाब में ये समझ नहीं आया होगा। मैं बताता हूं, उन्होंने कहा पता नहीं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बिहार सबसे नीचे है, तो नीतीश कुमार ने कहा पता नहीं। अब तेजस्वी यादव की एक्सप्लेनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव ने एक अच्छा खासा पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा है, पत्रकार पूछ क्या रहे हैं, सर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी है, सीएम नीतीश कुमार पता नहीं, बिहार शिक्षा स्वास्थ्य सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे है, सीएम नीतीश पता नहीं, बिहार के मंत्रियों विधायकों के घर डकैती हो रही है, अपराध कई गुना बढ़ गया है, 70 घोटाले हो चुके हैं, सीएम नीतीश पता नहीं। जनता, श्रीमान फिर आपको पता क्या है, सीएम नीति सिद्धांत विचार बेच कुर्सी से कैसे चिपके रहे, जनता के सवालों से कैसे छिपते रहे और अखबारों में कैसे छपते रहे, यह पता है जनता, तभी 40 सीट मिली है आपको और आप अनुकंपा पर सीएम बने हैं, सीएम पता नहीं। नीतीश कुमार को हर सवाल का जवाब यही आजकल देते हुए देखा जा रहा है, पता नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी मोर्चा संभालते हुए नीतीश कुमार के इन सवालों पर एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे दी है और कहा है कि नीतीश कुमार जी, आपको भले ही नहीं पता हो कि बिहार फिसड्डी क्यों होता जा रहा है, लेकिन आपको ये बखूबी पता है कि आप नंबर 3 तक कैसे पहुंचे। जनता ने पहुंचाया और इसी आपके रवैये की वजह से पहुंचाया। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को पता भी है या पता नहीं? अगली खबर में मुलाकात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।